का मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आपका वकील ईशु एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो 8 दिसंबर 2018 को हुए देश में कुछ घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एफएओ काउंसिल अप्रूव्स इंडियाज प्रपोजल। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को ने इंडिया की प्रपोजल को मान लिया है। प्रपोजल क्या था? तो प्रपोजल था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इन 2023 मनाने का, जिसको एफएओ काउंसिल ने अप्रूव कर लिया है। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर राधा मोहन सिंह ने कहा है कि ये जो एफएओ काउंसिल ने अप्रूव किया है वो उनका 160वां सीजन था। तो एफएओ काउंसिल अप्रूव्स इंडिया प्रपोजल टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इन 2023। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018 के अनुसार जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है, उसके अनुसार वुमेन आर द पेड द मोस्ट अनइक्वली इन इंडिया। मतलब भारत में औरतों को असमानता दर से वेज दी जाती है कंपेयर टू मेन, आदमियों के कंपेयर में व्हेन इट कम्स टू आवरली वेज फॉर लेबर। मतलब जब आपको घंटे के हिसाब से अगर किसी को मेहनताना मिलता है तो औरतों को मर्दों से कम मेहनताना मिलता है। ऑन एवरेज औसतन वुमेन आर पेड 24% लेस देन मेन। औरत को मर्द से 34% कम वेज मिलता है। दिस गैप इन वेज नोन एज जेंडर वेज गैप, और इस गैप को हम लोग इकोनॉमिक टर्म में जेंडर वेज गैप कहते हैं। द रिपब्लिकन इथिक एंड लोकतंत्र के स्वर बुक्स रिलीज्ड। हमारे भारत के उपराष्ट्रपति मिस्टर वेंकैया नायडू ने आज विज्ञान भवन दिल्ली में बुक्स का अनावरण किया है, जो बुक का नाम है रिपब्लिकन इथिक और हिंदी में उसका नाम है लोकतंत्र के स्वर। ये सिलेक्टेड स्पीचेज है हमारे प्रेसिडेंट श्री मिस्टर रामनाथ कोविंद जी का, जिन्होंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ सेशन में इन्होंने स्पीच दिए हैं, उसी का ये कलेक्शन ये बुक्स का। सीएम फडणवीस, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक स्मार्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है वो स्टैंड करता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, जो 10,000 विलेज में लागू किया गया है और उसका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव सस्टेनेबल फार्मिंग विद इन द नेक्स्ट ईयर। सस्टेनेबल फार्मिंग को अचीव करना अगले 3 सालों में, ये जो प्लान है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्ट किया जा रहा है। ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका जो यूएस एम्बेसडर जो यूनाइटेड नेशन जाएगा उनका जो नाम है हेदर नॉरेट है, जो आधी रिक्रूट हुए हैं। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट इबोला आउटब्रेक स्प्रेड्स इन कॉन्गो। इबोला वायरस बहुत ही जानलेवा बीमारी है और वो कॉन्गो में स्प्रेड कर गया है। मोर देन 1 मिलियन रेसिडेंट इससे अफेक्ट हो गए हैं। अब चलिए जानते हैं आज के दिन इतिहास में क्या क्या कहता है। 8 दिसंबर 2003 के दिन ही हमारे देश में दो राज्य में दो नए सीएम आए थे। 8 दिसंबर 2003 के दिन वो थे राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया आई थी और मध्य प्रदेश में उमा भारती आई थी। संयोग देखे तो दोनों ही महिला सीएम थी। आज के दिन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का जन्म हुआ था। प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को हुआ था। भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र का जन्म भी 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। और एक और हमारे सबसे बेहतरीन अभिनेत्री शर्मिला टैगोर जी का भी जन्म 8 दिसंबर 1946 को हुआ था। और आज के दिन भारत के सब बहुत जाने माने कवि रामाशंकर यादव विद्रोही, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच काफी लोकप्रिय थे, आज उनका 8 दिसंबर 2015 के दिन निधन हुआ था। तो आज की ये कुछ जानकारियां। अगर आपको विशेष वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें डेली अपडेट्स के लिए, नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।